सबसे एबल, मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये हो रहा है और ममता बनर्जी जी के लिए हो रहा है। हम सब साधुवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके लिए शुभकामना, शुभाशीष और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ममता बनर्जी का ये अल्लाह ताला से दुआ है कि ममता बनर्जी का हमेशा हमारे ऊपर साथ बना रहे और बंगाल के ऊपर खासकर आज और आने वाले दिनों में, कल पूरे देश में ममता बनर्जी एक जबरदस्त रूप में एक जबरदस्त, उसी को 3 साल के बाद शुरू किया, द्वारे राशन बंगाल में शुरू हुआ, माननीय मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने कुछ जगह पे कुछ लोगों के लिए बाद में शुरू किया। भारतवर्ष में द्वारे सरकार की बात हो ही रही है कि बंगाल ने करके दिखा दिया और भारत सरकार में सिर्फ जुमला हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया, एंड अप इंडिया, सिटिंग इंडिया, स्लीपिंग इंडिया, लुढ़क गई सारी बातें, ये स्मार्ट सिटी, ये जुमलेबाजी कहाँ गए ये सारे। अभी आपने छोटी सी बात मैंने कही कामी शेष करे दो, 5 मिनट शेष करे दो, आमी बता दे एक चीज बता दे बजट में जो यंगर जनरेशन के लिए किया हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए किया हो, बेरोजगारों की भलाई के लिए किया हो। इलेक्शन से पहले कहा था 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा हर साल, माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा थी, 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिया, 4 करोड़ से ज्यादा रोजगार ले लिया, अभी तक 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, 18 लाख नहीं दिया, ये आपको पता है। जुमलेबाजी, इसीलिए दीदी सामने आती है, इसीलिए ममता बनर्जी सामने आती है। जरा कोई पूछे बजट में हमारे दलित परिवार के लिए क्या किया है, SC ST के लिए क्या किया है, हमारे महिलाओं के लिए क्या किया है। आज हमारी दीदी ने, ममता बनर्जी ने एक नई रोशनी दी है महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के लिए, SC ST के परिवार के लिए, ये उनकी शादी ब्याह के लिए। ये सब देखने के बाद जो बंगाल में हो रहा है, भारत सरकार में मीठी मीठी बातें करने की कोशिश की गई है, याने लेकिन मीठी बात करने के चक्कर में नीम दे दिया, नीम की कड़वाहट आ गई उस बजट से, और उस नीम से भी निकल ही नहीं पाए थे कड़वाहट से कि तब तक देश का इतना बड़ा या देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ गया। अभी जो अडानी का घोटाला आया है, यानी नीम पे करेला कर दिया, एक तरफ नीम ऊपर से करेला, ये अडानी का घोटाला जो है, यानी अडानी जो शीर्षक है, अडानी का घोटाला, ये कोई मामूली घोटाला नहीं है। भारत वर्ष के इतिहास में इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ था। 4-5 दिनों के नीम पे करेला हो गया, नीम पे करेला, कड़वाहट पे कड़वाहट, और सबसे ज्यादा सफरिंग हुई है तो हमारे लोगों की, जो आज तक जुमलेबाजी बर्दाश्त कर रहे थे, सिर्फ जुमले सुन रहे थे, उनके होश फाख्ता हो गए हैं। जरा सोचिएगा 4-5 दिन में 11 लाख 12 लाख करोड़, और अगले 2-3 दिन में देखिएगा मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि घोटाले के बाद पहली बार आपने देखा, पहली बार ये जुमलेबाजों की सरकार जो रही है उसमें से एक आदमी बोलने नहीं आया है कि लोग या ग्रामीण क्षेत्र वो शहरों की जननी है, और वैसे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के इलेक्शंस को आज बहुत लोग मानते हैं कि वो मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है। ऐसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस को हमें बहुत अच्छी तरह पार करना है, जीतना है,
ममता जी के हाथों को और मजबूत करना है, तो इस वक्त जरूरत है एक अच्छी नेतृत्व की, एक अच्छी नेत्री की, एक ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल नेत्री। और अडानी का खेल भी वहां पे खेला होबे का नारा देगा इन नौ इलेक्शन में भी। ये ट्रेलर देख लीजिएगा आप लोग, आज हमारी बात सुनो। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण है 2024 का जो इलेक्शन है, ऐसे लोगों का जो नारा कुछ और देते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और इतना बड़ा घोटाला करते हैं, घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, देश की हालत क्या कर दी है। पूरे बजट में कहीं कोई ऐसी बात की जिसमें महंगाई पे चर्चा हुई हो? सबसे ज्यादा महंगाई देश के इतिहास में आज के दिनों में है, सबसे ज्यादा डॉलर